बिकॉज ऑफ टू रीजन. सबसे पहले बात तो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, बट उससे पहले मैं आपका एक मिनट समय लूंगा. आज हम बात कर रहे हैं हमारे न्यू ऑफिस से. अगर आपको ऑफिस टूर एक चाहिए तो कमेंट्स में जाके कमेंट कीजिए अगर आपको देखना है ऐसा कुछ तो. बट उससे के बाद में हम आते हैं आज के टॉपिक पे जो कि है BSNL के बारे में. तो डेफिनेटली BSNL के बारे में बहुत कुछ हलचल चल रही है अभी इंडस्ट्री में. बहुत सारे हम भी कमेंट्स रिसीव करने मिले BSNL के बारे में. बहुत सारे अच्छी चीज़ें सुनने को मिली कि स्पीड बहुत ही अच्छी मिल रही है लोगों को. 3G नेटवर्क होने के बावजूद जो स्पीड है, सर्विस बहुत अच्छी है. ऑफकोर्स कुछ रीजन इसमें एक्सेप्शंस हैं, बट आज हम बात करेंगे कि BSNL जो है वो बाकी ऑपरेटर्स के कंपैरिजन में कितना अच्छा है, कितने अच्छे से फेयर कर रहा है. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. डेफिनेटली लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करिए. आप देख रहे हैं टेलीकॉम टॉक. तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि BSNL के लिए क्यों आप चूज कर सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है BSNL के. तो देखिए मोस्टली कई बार क्या होता है ना कि BSNL के बारे में बहुत सारे तो रूमर्स फैले हुए हैं. यूजुअली एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि गवर्नमेंट लैंड ऑपरेटर है, तो फिर जो सर्विसेज होंगी वो थोड़ी सी फीकी फीकी सी आपको मिलेंगी. ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा झेलना पड़े, बट ऐसा एक्चुअल में सच है क्या? तो मेरा कहना रहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. बट इनफैक्ट जैसा हमने व्यूअर्स से पता किया है और जैसा हमें कस्टमर से पता चला है, BSNL की जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं इन रियलिटी. ऑल्दो जो एवरेज स्पीड्स हैं वो ओवरऑल उतनी कंपेयर नहीं करती है 4G से, क्योंकि 3G नेटवर्क बहुत ज़्यादा है. बट इधर पे ये बात सच है कि जो स्पीड्स जो हैं 3G की BSNL में वो बहुत ही अच्छी स्पीड्स हैं. आपका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. और डे टू डे लाइफ में आप हो सकता है कि ऐसा नोटिस भी ना करें कि आप 4G से 3G नेटवर्क में शिफ्ट काम कर रहे हैं. और एक और बात दूसरी तरफ BSNL के साथ में ये आती है कि जो नेटवर्क कवरेज है वो आपको BSNL का बहुत ही शानदार मिलता है. तो देखिए प्राइवेट ऑपरेटर्स का ये रहता है कि वो किसी जगह रोल आउट करते हैं, किसी जगह स्ट्रांग रहते हैं या फिर बाकी जगह स्ट्रांग नहीं रह सकते हैं. बट BSNL एकमात्र ऐसा ऑपरेटर है जो कि आपको कोने कोने में, गांव गांव में भी उसकी पहुंच आपको मिल जाएगी. और खासकर अगर हम आइलैंड्स की बात करें, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन जगहों पर तो सिर्फ BSNL का ही राज चलता है. BSNL ही एकमात्र ऐसा ऑपरेटर है जो कि इन रिमोट लोकेशंस में प्रेजेंट है. तो अगर आप ऐसे किसी सर्विस में हैं या फिर अगर आप ऐसा जॉब करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटीरियर में जाना पड़ता है, गाँव में जाना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो BSNL आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है. क्योंकि जब बाकी सिम काम नहीं करेंगी तब देयर इज अ हाई चांस कि BSNL की सिम जो है वो सबसे ज़्यादा काम कर सकती है. अब इधर पर मेन बात आती है जहाँ पे आके सबकी गाड़ी रुक जाती है, वो है प्राइजिंग की. तो देखिए प्राइजिंग के मामले में भी BSNL जो है वो अभी के टाइम पे तो सारे ऑपरेटर्स को बीट कर दे रहा है. और ऐसा खासकर टैरिफ हाइक के बाद में ये सबसे ज़्यादा सच है. तो देखिए हमने पहले भी इस बारे में वीडियो बनाया था कि BSNL टैरिफ हाइक करेगा या नहीं करेगा. तो अभी तक तो कम से कम एक हफ्ते हो गए टैरिफ हाइक को हुए और अभी भी कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं आया BSNL की तरफ से. तो ये अज्यूम करना सेफ रहेगा कि एटलीस्ट कुछ और टाइम के लिए BSNL की तरफ से कोई भी टैरिफ हाइक नहीं रहेगी. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है BSNL सब्सक्राइबर्स के लिए. देखिए बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनमें सारे लोगों ने जो टैरिफ हाइक है वो कर दी है. और उनके जो प्लान्स हैं लगभग 40% से ज़्यादा पे रिटेल कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ रहा है. तो जैसे हम बात करते थे 200 rupees का जो प्लान है वो अब 250 rupees का हो गया है. और भी ढेर सारे चेंजेस हैं. सबसे ज़्यादा चेंज तो हायर एंड वाले जो प्रीपेड प्लान हैं, जैसे 1699 वाला जो प्लान है ईयर लॉन्ग वैलिडिटी के साथ में आता है, इस प्लान पे सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है. अप टू 41% तक हाइक करी गई है. तो इस केस में जो प्राइस है वो 2398 यानी लगभग 2400 रुपये हो गया है. तो डेफिनेटली आप इधर पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा लोगों को देना पड़ेगा. 700 रुपये तक महंगे हो गए हैं प्लान्स, खासकर ईयर लॉन्ग वैलिडिटी वाले प्लान्स. तो ये जो प्लान है BSNL की तरफ से वो अभी भी 1699 का ही अवेलेबल है. तो आप पुराने प्लान्स को कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते थे कि भारतीय एयरटेल का प्लान था 1699 में आपको 1.5 GB डेटा मिलता था पूरे 365 days के लिए. वहीं पर BSNL का भी प्लान था जहां पर आपको 2 GB डेटा पर डे मिलता था 365 days के लिए. तो प्लान्स जो थे वो पहले भी BSNL के प्लान्स थोड़े अट्रैक्टिव थे, बट अब जो प्राइसिंग का डिफरेंस आ गया है ना उसके कारण और भी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया इन प्लान्स का. और अफोर्डेबिलिटी है वो बाकी प्लान्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो गई है. तो डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हैं BSNL पे स्टिक करने का तो कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी शानदार डील है. और एक और जो एडवांटेज जो मैं आपको बताना चाहूँगा BSNL का वो ये है कि प्लान्स की जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है.
तो देखिए बाकी ऑपरेटर के केस में क्या रहता है कि थोड़ी सी लिमिट आपको हो जाती है, आपके पास बहुत ही सिलेक्टेड ऑप्शंस रहते हैं। बट बीएसएनएल के जो प्रीपेड प्लान्स हैं वो इतने वाइड वैरायटी के हैं, आपको कॉलिंग भी उसमें मिलेगी, आपको डेटा भी उसमें मिलेगा, आपको कॉम्बो प्लान्स भी मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ ऐसे प्लान्स चाहिए जिसमें सिर्फ कॉलिंग फैसिलिटी रहती है, डेटा बहुत कम रहता है, तो ऐसे प्लान्स की भी कोई कमी नहीं है बीएसएनएल पोर्टफोलियो में। अब इधर पे दूसरे ऑपरेटर से थोड़ा सा और हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 56 डेज वैलिडिटी वाले जो नए प्लान आए हुए थे, जो आपने देखा होगा 399 और 449 के जो प्लान हैं, वो ऑलरेडी बीएसएनएल के पास पहले से हैं। तो एक रक्षाबंधन प्लान है ₹399 का और एक और 449 का प्लान है, जिसमें बीएसएनएल 56 डेज नहीं बट उससे ज़्यादा वैलिडिटी दे रहा है, करीब करीब 80 से 85 दिन की वैलिडिटी आपको इसमें मिल जाती है। तो डेफिनेटली इस केस में भी बीएसएनएल एक कदम आगे है बाकी ऑपरेटर से। तो देखिए हम मैंने आपको 4-5 एडवांटेजेस गिनवा दिए हैं बीएसएनएल नेटवर्क के, तो अगर अभी आप बीएसएनएल सब्सक्राइबर हैं तो फिर डेफिनेटली स्टिक कीजिए और 1699 वाले प्लान से रिचार्ज करवा लीजिए ताकि आपको 2 GB डेटा पर डे मिलता रहे कंटिन्यूसली 365 डेज के लिए। और अगर आपको इस प्लान के लिए नहीं जाना तो और भी ढेर सारे चॉइसेस हैं आपके पास में, उनको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ रीजनिंग क्यों बीएसएनएल काफी अच्छा ऑपरेटर है बाकी ऑपरेटर्स के कंपैरिजन में, और टैरिफ हैक का जो इफेक्ट है वो बीएसएनएल के ऊपर नहीं आया अभी तक। तो ये डेफिनेटली बहुत ही एडवांटेजियस सिचुएशन है बीएसएनएल सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जाइए इसका फायदा उठाइए। और इधर पे एक और बात जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो ये है कि ऑल्दो अभी बीएसएनएल 4G यूजर्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, कुछ सर्कल्स में हमें टेस्टिंग ऑलरेडी देखने मिल चुकी है, बट अभी कुछ महीनों बाद में ऑलरेडी बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम अलॉट हो जाएगा और उसके बाद में आप बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क है वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो उसके बाद में जो स्पीड्स हैं वो और अच्छी हो जाएंगी, जो एक्सपीरियंस है आपका ओवरऑल बीएसएनएल का वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसका भी अगर आप वेट करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बीएसएनएल के नेटवर्क पे। और इधर पे जाते जाते मैं एक एक्सपर्ट को फीचर करना चाहूँगा जस्ट लाइक लास्ट टाइम, जिनका नाम है शुभेंदु। इन्होंने हमारे साथ TelecomTalk.info वेबसाइट पे अपने बहुत ही अच्छे इंसाइटफुल कमेंट शेयर किए। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ इंसाइटफुल कमेंट्स हैं तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पे जाइए या फिर यूट्यूब कमेंट्स पे भी आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए, कॉमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब बटन जरूर से दबाइए, क्योंकि हम और भी ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई होप यू हैव अ गुड डे।